दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स से नोटिफिकेशन मिलने में आपको ज़रा भी देरी ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के स्टोरेज को कम कर सकते हैं और अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारे चैनल से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करेगी। दोस्तों इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपकी अनयूजेबल जितनी भी ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल करना होगा। देखिए दोस्तों मेरी सारी ऐप हैं, इतनी सारी ऐप मैं यूज़ करता हूँ, मेरी सारी यूजेबल है इसलिए मैं इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन आपके में जितनी भी अनयूजेबल ऐप्स हो उनको हटा दीजिएगा। देखिए मैं सारी ऐप यूज़ करता हूँ तो मैं ये सारी नहीं हटा सकता, अब आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये हमारी टिप्स हुई, अब दोस्तों कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग पे आना होगा। सेटिंग पे आते हैं दोस्तों, सबसे नीचे आपको आना होगा। सबसे नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक डेवलपर का ऑप्शन लाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे नीचे अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना होगा। अबाउट फ़ोन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए एक बिल्ड नंबर मिलेगा। देखिए सबसे नीचे बिल्ड नंबर मिल गया, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तीन कम से कम 7-8 बार क्लिक करना है दोस्तों इस पर। देखिए दोस्तों यू आर नाउ अ डेवलपर, ये ऑप्शन आ गया। अब हम बैक कर लेते हैं, जैसे ही हमने बैक किया दोस्तों यहाँ पे देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया। डेवलपर ऑप्शन आते ही दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना है। हमने इस पर क्लिक किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं उनको आकर चेक कर सकते हैं, अलाउ मॉक लोकेशन समथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आकर अपनी एनिमेशन जो होती है मोबाइल की एनिमेशन उनको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं करनी है। देखिए देखिए विंडो एनिमेशन स्केल जैसे इन्होंने 1 पर दे रखा है 0.5 पर कर सकते हैं, अगर आप ऑफ पर करेंगे तो काम नहीं चलेगा, 0.5 पर कर लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो ये थी कुछ इसके, और ये देखिए एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इसको भी अगर आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी काम के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इससे आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। बैक पर आते हैं दोस्तों, दोस्तों ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है, आप स्टोरेज पर आकर यहाँ पे देखिए मेरी अवेलेबल 429 MB है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश डेटा का ऑप्शन है 46 MB, मैं क्योंकि कैश डेटा हमेशा क्लियर करता रहता हूँ इसलिए 46 MB है। कैश डेटा कभी कभी बढ़कर अपने आप 700 MB से ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों इस पर एक बार सिंपल क्लिक कर दीजिए कैश डेटा पर, और देखिए ओके का ऑप्शन है, ओके कर दीजिए, कैश डेटा ज़ीरो डेटा हो जाएगा, यानी 0 MB हो जाएगा। यहाँ पे ये 46 MB मेरा कुछ टाइम ले रहा है, लेकिन ये अब थोड़े टाइम में 0 MB हो जाएगा, यानी कि देखिए हट गया ये यहाँ से और यहाँ पर ये ऐड हो गया अवेलेबल पर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने बहुत सारी ऐप हटाई थी तो ऐप्स पर आकर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐप्स जितनी भी आपके मोबाइल में है उनके बारे में ये बताएगा। ये देखिए अनयूजेबल जितनी भी ऐप आपको लगे आप हटा सकते हैं और इनका डेटा भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वैसे फेसबुक की ऐप ज़्यादा MB की नहीं होती, 100 या 124 MB के आसपास की होती होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो उसका देखिए अनइंस्टॉल तो करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्लियर डेटा कर सकते हैं। अगर आप क्लियर डेटा कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ 356 MB लिखा हुआ ये चला जाएगा और 66 MB की ऐप है ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप सारी ऐप कर सकते हैं और अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
Thank you.